स्वागत है आपका सॉफ्ट इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर आप एक रिटेल स्टोर रन कर रहे हैं और आप होल्ड आइटम्स रिपोर्ट को व्यू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको इस प्रोसेस में गाइड करेगा और आप इसे इजीली प्रोसेस कर पाएंगे जब कोई फार्मासिस्ट कुछ रीजन से सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स को अभी सेल नहीं करना चाहते तब वो उन्हें होल्ड स्टॉक लोकेशन में ट्रांसफर कर देते हैं वहीं स्वेली आरपी में यूजर होल्ड स्टॉक की रिपोर्ट में प्रोडक्ट नेम ग्रुप नेम स्टॉक लोकेशन बैच एमआरपी, रेट आदि को भी व्यू कर सकते हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं इसके लिए सबसे पहले स्विल आर के रिपोर्ट्स मेन्यू से प्रोडक्ट वाइज स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे फिर होल्ड आइटम डिटेल्स पर क्लिक करते हैं अब इंक्लूड नील स्टॉक प्रोडक्ट रिपोर्ट पे टिकमार्क करने पर रिपोर्ट उसी मुताबिक जनरेट हो जाएगा वहीं रिपोर्ट टाइप में समरी या डिटेल वाइज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे साथ ही आप प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरर टैब पर क्लिक करके फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं अब व्यू बटन पर क्लिक करते हैं साथ ही रिपोर्ट्स को चार्ट फॉर्म में व्यू करने के लिए चार्ट टैब पर क्लिक करेंगे आपको बता दें कि रिपोर्ट्स को प्रिंट एंड प्रीव्यू करने के लिए डिस्प्ले ऑप्शन में जाकर प्रिंट एंड प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे वहीं रिपोर्ट्स को एक्सेल या किसी और फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के लिए टी बटन पर क्लिक करेंगे तो ये था स्पिल में होल्ड आइटम स्टॉक रिपोर्ट को व्यू करने से जुड़ा वीडियो वी होप इस वीडियो की हेल्प से अब आप ये प्रोसेस इजीली एग्जीक्यूट कर पाएंगे और आप इस प्रोसेस पर हमारी सपोर्ट टीम से भी हेल्प ले सकते हैं ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू